दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आप डोंगल को कनेक्ट किए हुए हैं, सब कुछ सही है, फिर भी नेट नहीं चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि वो नेट नहीं चलने के कारण क्या क्या हो सकता है, पूरा बताएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपका इंटरनेट लैपटॉप में नहीं चल रहा है, या फिर आपका कंप्यूटर हो या फिर लैपटॉप हो और उसमें आपका डोंगल से आप नेट चला रहे हैं, राइट, डोंगल जिसे हम लोग मॉडम भी बोलते हैं, और उससे आप नेट चलाते हैं और कभी कभी आपका नेट कनेक्ट होता है फिर भी नेट नहीं चलता, तो हमें कौन कौन चीज़ को देखना होता है हम पूरे इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही समझ में आएगा और आप अपना जो भी आपका प्रॉब्लम होता है वो आप सॉल्व कर पाएंगे बहुत आसान तरीके से। जैसे आप डोंगल को कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले वो बता दें कि यहाँ पर आपको माई कंप्यूटर पर चल जाइएगा, चाहे विंडोज 7 यूज करते हैं, विंडोज 10 यूज करते हैं, विंडोज 8 यूज करते हैं, जो मॉडम आप यूज़ करेंगे यहाँ पर एक अलग सा ड्राइव बना हुआ रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड कलर का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो मैं आईवॉल का एयरवेव 4G मॉडम है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं और इसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इंस्टॉल और रन प्रोग्राम फॉर योर मीडिया इसे टैप कर देंगे। टैप करने के दौरान हल्का सा टाइम लेता है, 2 से 5 सेकेंड, उसके बाद आपको इस तरह कोई भी सॉफ्टवेयर इससे हम लोग इंस्टॉल करते हैं उस तरह पूरा होगा, और इसको फिर से आपको इस तरह ऑन कर लेना है। और ऑन करने के बाद आपको उस सॉफ्टवेयर को देखिए, आप अगर आपका सिम में बैलेंस है, मतलब कि डाटा पैक है, एक्टिवेट होना चाहिए, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो मैं इंस्टॉल हो रहा है ये, तो इंस्टॉल होने के दौरान जब आपका इंस्टॉल हो जाए तो जिस सिम कार्ड से आप नेट चला रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर मेरा, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ माउस का कर्सर पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जियो का यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे जियो के जगह कुछ और कुछ लिखा हुआ आता है, तो क्या करना है आपका ये जो मॉडम का जो सॉफ्टवेयर है कंट्रोल पैनल पर चल जाना है। अगर यहाँ से अगर आपको जो नेटवर्क आप यूज करते हैं और वो नेटवर्क अगर यहाँ पे दिखाई ना दे तो क्या करना है, जो मॉडम है उसको फिर से इंस्टॉल कर लेना है अन इंस्टॉल करके। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया कंट्रोल पैनल पर जाना है, और कंट्रोल पैनल पर जाने के बाद प्रोग्राम एंड फीचर्स लिखा होगा उस पर चल जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम एंड फीचर्स, उस पर जाने के बाद जो नाम का आपका मॉडम है उस नाम का आपको यहाँ पे लिखा होगा, जो सॉफ्टवेयर है वही इस नाम का होगा, तो बस उसको ओपन कर लेना है, प्रोग्राम एंड फीचर्स में वो दिए हुए रहते हैं। उसके बाद जैसे मैं एयर जो था, एयर क्या नाम था आपको बता दें कि आईबॉल का जो मॉडम था आईबॉल एयरवे 4G, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर टैप करना है और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो अनइंस्टॉल का एक ऑप्शन आता है, उस पर टैप करके अनइंस्टॉल कर लेना है और फिर से मॉडम को लगा लेना है और फिर से उसे इंस्टॉल कर लेना है जिस तरह हमने बताया फर्स्ट में। उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है और यहाँ पर इसे कनेक्ट नाउ पर क्लिक करके कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद अगर नेट चलने लगता है तो सब कुछ ठीक है, और अगर नहीं चलता तो क्या करना है आपको यहाँ से डिसकनेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे सेटिंग पे चल जाना है, और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आपका नेटवर्क कनेक्शन लिखा होगा वहाँ पे टैप कीजिएगा। नेटवर्क कनेक्शन पे टैप करने के बाद आपका नेटवर्क मोड लिखा होगा, नेटवर्क मोड पर ओके कीजिएगा, और यहाँ पर देखिए अगर आपका जी 4G यूज करते हैं, 3G यूज करते हैं, अगर 4G आप फिर कोई भी यूज करते हैं तो आपको ऑटो पे वो मार देना, ऑटो पे रख देना है और कुछ नहीं करना है, तो ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देगा कि आपका सिम अगर 3G है, 4G है, जो भी है वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको चाहते हैं कि नहीं हमें LTE सेलेक्ट करना है, अगर 4G जो होता है वो LTE होता है, तो इस तरह हमें यहाँ पे LTE पे रखें या फिर ऑटो रखें, अगर 4G है तो ऑटो ही रखें अच्छा होगा, क्योंकि ऑटो में ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद APN सेटिंग होता है, देख सकते हैं ऊपर में कनेक्शन सेटिंग है, इस पर टैप करना है और यहाँ पर प्रीडिफाइडेड जो है इस पर टैप करके यहाँ पे आपका जो सिम कार्ड है उस सिम कार्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर देता है, जैसे कि यहाँ पे मेरा जियो है तो जियो बिहार झारखंड लिखा होगा, आप हल्का सा नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं और यहाँ पे जियो सेलेक्ट कर लेंगे, जियो बिहार झारखंड, तो देखिए यहाँ बिहार झारखंड नहीं है तो बिहार है तो इसको यहाँ पर ओके कर देंगे, तो यहाँ पर जियो जो बिहार है उस तरह हो जाता है, या फिर इसको छोड़ दें कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आपको जो नेटवर्क मोड था उसे कर लेना है, और अगर हो सकता है तो आप नेटवर्क सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके नेटवर्क मोड पे जाकर नेटवर्क सर्च जो बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर टैप करके ऑटो सर्च कर सकते हैं या फिर मैनुअल सर्च कर सकते हैं, जैसे सिम कार्ड हम लोग मोबाइल में सिम कार्ड से जो नेटवर्क सर्च करते हैं उस तरह सर्च करके
उस नेटवर्क को मैनुअली चूज कर सकते हैं जो हम यूज कर रहे हैं आपका मॉडम में, और उसका कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए आपका 100% आपका इंटरनेट चलने लगेगा, या लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो। कुछ भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार पाए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय वंदे मातरम।